हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पद्मा यूट्यूबर। तो अभी सुबह सुबह में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो बस आप भी देखिए। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, मतलब कि अभी जस्ट सिर्फ पानी और अदरक डाला है। तो मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, इसलिए मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही अदरक वाली चाय पसंद है। तो मोस्टली अभी ऐसा होता ही नहीं कि हम अदरक के बिना चाय पिए। तो आज भी मैं वही दिखा रही हूँ आपको, और चलिए बनाते हैं चाय और मिलते हैं बाद में, मतलब कि साथ में ही। तो चलिए मैं थोड़ा सेट कर दूँ ट्राईपॉड को। बन रही है चाय, तो चलिए। सारे इंडियन घरों में चाय के बिना तो किसी की सुबह स्टार्ट ही नहीं होती होगी शायद। और अभी सारे मेरे साफ सफाई के काम भी जो है वो कर रही हूँ मैं साथ साथ में, ताकि दिवाली आए तब तक तो उससे पहले, बहुत पहले मेरे सारे काम खत्म हो जाए। इसलिए तो सुबह में चाय पीने के बाद मैं सबसे पहले अपने जो भी पौधे हैं उन सारे पौधों में पानी वगैरह दे देती हूँ। तो सुबह में जल्दी पानी देना चाहिए पौधों में, या फिर शाम के टाइम पे पानी देना चाहिए, दोपहर में कभी भी पानी नहीं देना चाहिए पौधों को। तो बस इसी तरीके से हम अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। Thank you.
तो बस उसी के सारे काम ख़त्म होने के बाद दोपहर में खाने में बनाया था आज बाजरे का रोटला बोलते हैं जिसे वो, और साथ ही में बनाए थे थोड़े से चावल, और उसी के साथ में बनाई थी सब्जी बैंगन की, आलू मतलब कि बैंगन आलू और टमाटर डाल के मैं सब्जी बनाई थी। तो बस वही सब खाने में बनाया था, और साथ में जो भी छाछ या दही वगैरह लेते हैं तो हम वो इसको ही लेंगे। तो देखिए तो बैंगन और आलू की फुल रेसिपी देखा ना भूल गई थी, लेकिन तड़का जिस तरह से लगाया था वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर में सब्जी बनाई थी, तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया था, और उसके बाद उसमें तेल गर्म होने के बाद राई जीरा और लहसुन का तड़का लगाया था, और उसके बाद मैंने डाल दिए थे आलू और बैंगन, आलू और बैंगन मैंने साथ ही में डाल दिए थे। तो बस आलू और बैंगन को सिर्फ आधे मिनट तक फ्राई हो जाए बस उतना ही, उतना फ्राई करने के बाद सारे जो भी ड्राई मसाले हैं वो सारे ड्राई मसाले हमें डाल देने हैं। जो मैंने डाले थे वो थे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर आप धनिया जीरा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हो, गरम मसाला और नमक, और ये सब डालने के बाद हमें डालने हैं टमाटर। तो बस उसी के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे सब्जी में, और बस एक मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी, और उसके बाद मैंने डाल दिया था पानी। तो बस पानी डाल के जस्ट अभी मुझे कुकर बंद करना है, तो बस उस कुकर को मैं बंद कर दूंगी और 5 विसल आने तक उसको पकाऊंगी। तो 5 विसल आने के बाद तो सब्जी रेडी हो ही जाएंगी। तो बस इसी तरीके की बैंगन की सब्जी बनती है, बहुत तरीक़ों से बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।